हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन पे रहेगा। उसको हम डिटेल में जानेंगे कि क्या है। बाकी आप मेरे सोशल मीडिया पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस। जैसे आपको पता है ये इन्वायरमेंट का सिलेबस है, इसमें आपका ये टॉपिक कवर होगा। सो ये हमारा सीरीज चल रहा है कॉन्सेप्ट्स का, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो टर्म्स यूज होते हैं। सो नाउ दीज टू टर्म्स आर वेरी कन्फ्यूजिंग। बायो एक्यूमुलेशन क्या है और बायो मैग्निफिकेशन क्या है। दोनों बहुत ही कन्फ्यूजिंग टर्म्स हमको लगती हैं, दोनों को डिटेल में समझेंगे। बायो एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट होना क्या होता है? कोई चीज़ इकट्ठी होना, है ना। मैग्निफिकेशन क्या होता है? किसी चीज़ को आप जूम करके देख रहे हैं, मैग्निफाई हो रही है और बड़ी होती जा रही है, ठीक है। तो दोनों टर्म्स में अंतर है। अब बायो एक्यूमुलेशन क्या है? ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, कि धीरे धीरे जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो केमिकल्स हैं, जो ह्यूमन बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्रोनिक पॉइजनिंग कर सकते हैं, यानी धीरे धीरे जहर फैला सकते हैं, उस चीज़ को हम एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। कि पल्यूटेंट्स धीरे धीरे करके इकट्ठे होते जा रहे हैं। ना बायो एक्यूमुलेशन अकर्स व्हेन द रेट ऑफ लॉस ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू कैटेबॉलिज्म और एक्सक्रीशन इज लोअर देन द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द सब्सटेंस। आई विल एक्सप्लेन। अब क्या है ना, हमारी बॉडी में आप बहुत सी चीज़ें खा रहे हो, सपोज आपने 10 चीज़ें खाई, ठीक है, और ये बॉडी क्या करती है, इन चीज़ों को एक्सक्रीट आउट कर देती है। आप यूरिन पास कर रहे हैं, आप स्टूल पास कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो बाहर निकल रही है, राइट। तो अब क्या हो रहा है, आप अगर 10 चीज़ें खा रहे हो तो हमारी बॉडी उसी रेट से इसको आउट भी कर रही है, जितनी चीज़ें उसने मतलब यहाँ पे कैटाबॉलिज्म होना है वो बाहर भी जा रही है। लेकिन अब क्या है कि बॉडी का जो रेट है कैटाबॉलिज्म का वो कम हो गया है और आप ज्यादा हानिकारक चीजें ले रहे हो। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू कैटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन इज लोअर देन द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन। तो मतलब ज्यादा चीजें इकट्ठी हो रही हैं, इनको बॉडी से बाहर भी निकलना है, लेकिन बॉडी इनमें से एक टाइम पे दो को, मतलब सपोज देयर आर चार चीजें आपने खाई जो हानिकारक है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, इन चारों को बाहर लाना चाहिए बॉडी से। लेकिन बॉडी क्या कर रही है, एक टाइम पे बॉडी की क्षमता है कि वो दो ही चीज़ों को बाहर निकाल सकती है। तो एक बार आपने खाया तो चलो दो चले गए, दो फिर भी बच गए, ठीक है, दो बच गए बॉडी में। अब नेक्स्ट टाइम आपने फिर चार खाई, बॉडी ने फिर दो को बाहर निकाला, ये पुरानी वाली दो को बाहर निकाला, तो नए वाले चार फिर से बच गए। तो इस तरह से इकट्ठा होने लगे। आप जितने स्टेप्स इंक्रीज करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस आप खा रहे हैं, जिसको बॉडी से बाहर जाना चाहिए, वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। तो जो बायो एक्यूमुलेशन है, जो भी सब्सटेंस आप खा रहे हैं, वो बॉडी उसको बाहर नहीं निकाल पा रही, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ज़्यादा है और रेट ऑफ लॉस जो है वो कम है, तो बॉडी में इकट्ठा होता जाएगा। ये है बायो एक्यूमुलेशन। तो इसी तरह से पोल्यूटेंट्स जो हम सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी में जा रहे हैं, ढेर सारे पोल्यूटेंट्स जा रहे हैं, बॉडी की कैपेसिटी है थोड़ा सा पोल्यूटेंट वो एक्सक्रीट आउट करे, फिर हमारी बॉडी में ये एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। तो इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली ये फूड चेन में एंटर कर जाएंगे। सो देयर इज एन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन। तो फूड चेन क्या है, यहाँ पे ग्रासेस हैं, ग्रासेस को डियर खा रहा है, डियर को टाइगर खा रहा है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हम डियर से ही शुरू करें, अगर डियर से भी शुरू करें या ग्रास से शुरू करें, तो ग्रास में एक्यूमुलेशन कैसे होगी कि बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं, ये अपटेक कर रहा है, तो ये इसकी बॉडी से, मतलब ऑर्गेनिज्म, ग्रास इज ऑल्सो लिविंग थिंग, राइट, उसकी ग्रास उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहा, तो इसमें इकट्ठे हो रहे। अब ग्रास को डियर खा रहा है तो अल्टीमेटली वो डियर की बॉडी में भी जाएंगे। तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में आप देख रहे हैं ना, ट्रॉफिक लेवल के फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में जो इकट्ठा होता जा रहा है ये सब्सटेंस, इसको हम बायो एक्यूमुलेशन बोल रहे हैं। इसको आप पूरे फूड चेन में कनेक्ट करके देखिए, ठीक है। तो दिस इज बायो एक्यूमुलेशन। तो मैं दोनों को कनेक्ट करके बाद में बताऊंगी ना। बायो मैग्निफिकेशन क्या है? बायो मैग्निफिकेशन बायो एक्यूमुलेशन जैसा ही है, बट दिस इज प्रोग्रेसिव बायो एक्यूमुलेशन। मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है हर ट्रॉफिक लेवल पे। ट्रॉफिक लिखा है, दिस इज ट्रॉफिक। हर ट्रॉफिक लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है।
जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होते जा रहे हैं, जैसे वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जा रहे हैं. तो ये बायो मैग्निफिकेशन है, जहाँ पे पॉल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और फूड चेन में ये सब लिंक्ड है. ठीक है, अब मैं डिफरेंस समझाऊंगी तो समझना. तो मैंने कहा देयर इज ग्रास, ग्रास इज बींग ईटन बाय डियर, डियर इज बींग ईटन बाय टाइगर. ओके, सो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में जब इकट्ठा हो रहा है ना पोल्यूटेंट, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में क्योंकि रेट ऑफ लॉस कम है रेट ऑफ एक्यूमुलेशन से, तो उस चीज को बायो एक्यूमुलेशन बोलेंगे. तो जब यहाँ पे इसकी बॉडी में, मतलब ग्रास में बहुत सारे पोल्यूटेंट, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हैं, कोई भी केमिकल्स हैं, वो बहुत सारे इकट्ठे हो गए. डियर जब ये ग्रास खाएगा तो क्या होगा, ये सपोज ये सिर्फ इस एरिया का ग्रास था, डियर ने इस एरिया का पोल्यूटेंट ग्रास जो बायो एक्यूमुलेटेड है उसको खाया. ठीक है, ये दूसरी जगह पे गया है ना, वहाँ पे भी ग्रास है, इसने इसको भी खाया, फिर तीसरी जगह पे जाके खाया, वो भी खाया, तो ये सारे केमिकल्स हर जगह के इस डियर के अंदर चले गए. तो इस तरह के और भी बहुत सारे डियर्स हैं राइट, जो फीड कर रहे हैं. तो उसकी बॉडी में यहाँ का केमिकल भी गया, यहाँ का केमिकल भी गया, यहाँ का केमिकल भी गया. तो व्हाट हैज हैपेंड, बायो मैग्निफिकेशन. तो जो बायो एक्यूमुलेशन था धीरे धीरे से, दिस इज प्रोग्रेसिव बायो एक्यूमुलेशन, उसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोल रहे. तो ज्यादा केमिकल्स डियर की बॉडी में आ गए. तो इसी तरह से ये सारे डियर्स जो हैं अब इनके अंदर केमिकल्स हैं. अब टाइगर क्या करेगा, इसने सपोज इस डियर को खाया तो ये सारे केमिकल्स टाइगर के अंदर भी चले गए. फिर इसने सेकेंड टाइम किसी और जानवर को खाया, लेट्स नॉट से डियर, मे बी सम अदर ऑर्गेनिज्म जो ग्रास पे फीड करता है, वहां से भी ये सारा जो ग्रास का इकट्ठा हुआ एक डियर में था, इसने दो डियर्स को खाया, तो वो केमिकल्स और ज्यादा मैग्निफाई हो गए टाइगर में. आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट राइट. तो ये बायो मैग्निफिकेशन है जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर हो रही है, लिंक्ड है, क्योंकि फूड चेन से सारे ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड है. सो दिस इज हाउ बायो एक्यूमुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बायो मैग्निफिकेशन, बट फॉर बायो मैग्निफिकेशन यू कैन से दैट इट इज प्रोग्रेसिव बायो एक्यूमुलेशन. ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं. अब यहाँ पे देखो बायो एक्यूमुलेशन क्या है, कि एक ही फिश है, कंटामिनेंट खा रही है, पहले एक बार खाया, इकट्ठा हो गया बॉडी में, बॉडी उसको नहीं निकाल पाई, फिर थोड़ा और खाया और इकट्ठा हो गया और इकट्ठा हो गया. सो दिस इज बायो एक्यूमुलेशन. अब यही फिश अगर इसके, यहाँ पे हम फिश का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या तो लेट्स सी यहाँ पे अर्थफॉर्म है या कोई इंसेक्ट है, तो फिश की जगह ये इंसेक्ट होता, जो आपको फिश दिख रही है, लेट्स सी से इट्स अ इंसेक्ट. तो ये चार इंसेक्ट हैं, सॉरी ये एक ही इंसेक्ट है, इस तरह के बहुत सारे और इंसेक्ट्स होंगे, 1 2 3 4, तो ये फूड चेन में ट्रांसफर होने लग गया. फूड चेन में ट्रांसफर होने लग गया तो आप देखो हर एनिमल में पाया जा रहा है, और ज्यादा जितना इसमें था उससे ज्यादा, जितना इसमें था उससे ज्यादा, तो मैग्निफाई होता जा रहा है क्योंकि वो ज्यादा नंबर को खा रहे हैं, है ना. सो बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, कंटेमिनेंट लेवल्स आपको इसमें दिख रहे हैं. ओके, तो आपको समझ में आ गया, अगर ग्राफ को इस तरह से हम देखेंगे तो सेम एनिमल खाता जा रहा है वो बायो एक्यूमुलेशन है, जब वो हर ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होते जा रही है तो वो बायो मैग्निफिकेशन है. ओके, तो कोई कन्फ्यूजन हो इसमें आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो आगे एक कॉन्सेप्ट है एसिड रेन. तो ये पहले वाले दो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट थे. सो एसिड रेन, आई एम श्योर आपको पता होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो चीज़ें आपकी पोल्यूशन से निकलती हैं, हवा में जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये पानी के साथ रिएक्ट करती है एटमॉस्फेयर में और एसिड्स प्रोड्यूस करती है ना, जैसे H2SO4 बनता है, जैसे आपका ताजमहल का कलर चेंज हो गया, डिसकलरेशन हो गई, सब एसिड रेन की वजह से है. और एसिड रेन जो ये पानी में अगर एसिड रेन होगा, जो बारिश हो रही है, तो मॉन्यूमेंट्स को तो फर्क पड़ेगा ही, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी पड़ेगा. जो सीप इन हो रहा है वो पानी आपके ग्राउंड में जा रहा है, वही लोग पी रहे हैं, प्लांट्स को भी वही मिल रहा है, वो भी वही पानी ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका पूरा जो इकोसिस्टम है वो उससे इफेक्ट हो रहा है, और ह्यूमन हेल्थ पे इसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स आपको दिखेंगे रेन वाटर के राइट. अलग अलग जगह से हम लोगों के ह्यूमन हेल्थ पे इस पर असर पड़ेगा. तो जब नाइट्रिक एसिड से मिल रही है, तो ये आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या डाइऑक्साइड से मिल रही है, तो आपका नाइट्रस एसिड बन रहा है. सल्फर डाइऑक्साइड से मिल रही है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है. तो देखो दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 इज योर नाइट्रिक एसिड, है ना. तो यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ रही हैं, पानी से मिल रहा है तो एसिड बन रहा है. सो दिस इज वॉट इज एसिड रेन, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये इफेक्ट ही देख लीजिए. वैसे ज़्यादा यहाँ पे फोटोशॉप करके दिखा रखा है,
बट एनी वे ताजमहल पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, ये रियल पिक्चर्स हैं, पीला पड़ गया है वो, है ना। सो ये डिस्कशन हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओजोन डिप्लेशन पे रहेगा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ओजोन डिप्लेशन क्या है। बाकी आप कनेक्टेड रहिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर है, जहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, इट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।